शारदीय नवरात्रि 2024। शारदीय नवरात्रि अब की बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर को महानवमी होगी। 12 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के साथ इसका समापन होगा। माँ दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर आएंगी, जो कि दुनिया के लिए अशुभ माना जा सकता है। आइए इस बारे में आपको और विस्तार से बताते हैं। इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 3 अक्टूबर से हो रहा है और इस बार माँ दुर्गा का आगमन पालकी पर होगा। माँ दुर्गा हर बार अलग अलग सवारी पर सवार होकर आती है। अब की बार माँ दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। माना जा रहा है कि माँ दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आइए जानते हैं नवरात्रि कब से कब तक है, साथ ही माँ दुर्गा के पालकी पर आने से किन बातों की आशंका जताई जा रही है, तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहिए। शारदीय नवरात्रि इस बार 3 अक्टूबर से आरंभ होगी और 11 अक्टूबर की महानवमी मनाई जाएगी, जबकि 12 अक्टूबर को दशहरा और माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा। 3 अक्टूबर को घट स्थापना होने के साथ प्रथम भगवती स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर आएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि का शुभारंभ किस दिन से हो रहा है। मंगलवार और शनिवार को नवरात्रि का आरंभ होता है तो माँ दुर्गा की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा माना जाता है। यदि नवरात्रि गुरुवार और शुक्रवार को आरंभ होती है तो माँ दुर्गा की सवारी डोली और पालकी मानी जाती है। यदि माँ दुर्गा रविवार और सोमवार को आती है तो उनकी सवारी हाथी होती है, जो कि सबसे शुभ मानी जाती है। ज्योतिष और धर्म के जानकार लोग बताते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी जब डोली या पालकी पर आती है तो यह अच्छा संकेत नहीं है। माँ दुर्गा का पालकी पर आना सभी के लिए चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अर्थव्यवस्था गिरने से लोगों का काम धंधा मंदा पड़ने की आशंका है, साथ ही देश दुनिया में महामारी फैलने का डर है। लोगों को कोई बड़ी अप्राकृतिक घटना का सामना करना पड़ सकता है। सेहत से भारी गिरावट आ सकती है। दूसरे देशों से हिंसा की खबरें आ सकती हैं। इस बार की नवरात्रि कुछ अलग ही होने वाली है, तो इसके साथ ही ज्योतिष लोग उपाय भी बताएंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। धन्यवाद।